Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. Hello students, welcome to my YouTube channel Classic Tutorial. आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन इसके क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं, सीधा हम चलेंगे अपने एक्सरसाइजेस में। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का। डैश वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल का नाम, तो इसका ऑप्शन ए जवाब है अलेक्जेंडर कनिंगम। सेकेंड है डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। हितोपदेश को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले का नाम बी फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पैर, बोर्ड्स में सिर्फ रॉन्ग पैर आइडेंटिफाई करना ही होता है, मैंने यहाँ करेक्ट करके भी लिखा है। तो इसमें रॉन्ग पैर है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये किताब विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें स्वतंत्र वीर सावरकर भी कहा जाता है, उन्होंने लिखी है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद इट्स रीजन। गिव रीजन है राइटिंग ऑफ द रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम। रीजनल हिस्ट्री की राइटिंग ने एक मोमेंटम, एक स्पीड पकड़ी। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सेकेंड का फर्स्ट और थर्ड का सेकेंड, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर टू नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, ये दोनों जवाब एक ही है, तो मैं दोनों आपको एक साथ यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। जवाब मिलेगा हमें पेज नंबर 11 पे। तो आइए पेज नंबर 11 पे चलते हैं। यहाँ पर इसका जवाब है सेकेंड का फर्स्ट और थर्ड का सेकेंड, दोनों है इसके अंदर। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी ने इंडिपेंडेंस की मूवमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया अगेंस्ट ब्रिटिश। इन दिस एस्पेक्ट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किताब का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज टू, जो हमारा गिव रीजन का सेंटेंस था वही सेंटेंस यहाँ पे मिला हमें। एज अ रिजल्ट द अटेंशन ऑफ हिस्टोरियन वॉज ड्रॉन टू द ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन रीजन। इससे क्या हुआ, हिस्टोरियन का अटेंशन जो था वो साउथ के इलाकों, साउथ के रीजन और वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन की तरफ भी गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाखर और बखार इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। बखार को एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। पेज नंबर 9 पे इसका आंसर है। तो पेज नंबर 9 पे चलते हैं और आप साथ ही साथ मार्किंग भी करते चलिए। आप जो मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ वही इसका आंसर है, इतना भी अगर आप पेपर में लिख कर आएंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहां से आंसर शुरू हो रहा है इसका। बखार इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मिडिवल टाइम्स। मिडिवल टाइम्स का इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बखार है। बखार में होता क्या है, इट कंटेन ियोलॉजीज ऑफ द हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ द हीरोइक हिस्टोरिक इवेंट्स बैटल्स और लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। इसके अंदर ियोलॉजीज होती है। ियोलॉजीज का क्या मतलब होता है, फीचर्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं हीरोज की या हिस्टोरिक इवेंट की या किसी लड़ाई के बारे में या कोई बड़े ग्रेट मैन, कोई बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में। मराठी बखार्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। यहाँ पे मैंने कुछ टाइप बताए हैं, जैसे सभासद बखार वॉज रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सभासद, भाव साहिबांची बखार, पानीपताची बखार, उसके बाद नेक्स्ट है होलकरांची कैफियत। बखार्स कैन बी डिवाइडेड इन टू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग। इनको बहुत सारे टाइप्स में हम बांट सकते हैं, जैसे कि राजाओं की बायोग्राफी हो गई, कोई डायनेस्टिक हिस्ट्री हो गई, किसी राजाओं की पीढ़ियों का इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया उनका। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, डिस्क्रिप्शन किसी इवेंट का डिस्क्रिप्शन हुआ। हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, किसी सेक्ट की, किसी ग्रुप की हिस्ट्री हो गई। ऑटोबायोग्राफीज हो गया, रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस, किसी के दुख दर्द तकलीफ के बारे में हो गया, या बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज या कोई रिलीजियस
स्टोरीज पे बेस्ड हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग, या राजा किस तरह स्टेट एडमिनिस्टर करता है उसके बारे में भी ये हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन बाय एम्परर बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कौन कौन सी चीजें लिखी थी वो हमें बताना है। पेज नंबर 8 पे इसका आंसर है, तो पेज नंबर 8 पे हम लोग जाएंगे। यहां लिखा हुआ है, बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल अंपायर रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल तुजू के बाबरी। वेरी इंपॉर्टेंट, बाबर जो के मुगल एम्पायर का फाउंडर भी था, उसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखा, नाम था तुजू की बाबरी। इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल्स फॉट बाय हिम। इस किताब में उसके जरिए लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में लिखा गया है। बाबर ऑल्सो रिकॉर्डेड इज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस रीजन्स। बहुत सारी रीजन के छोटी छोटी, माइन्यूट यानी बारीक से बारीक ऑब्जर्वेशंस को उसने इस किताब में लिखा है। सिटीज ट्रैवल्ड बाय हिम, जहां जहां वो गया उसके बारे में लिखा है। इंक्लूडेड द लोकल इकोनॉमी, वहां की इकोनॉमी कैसी थी, कस्टम्स कैसे थे, फ्लोरा प्लांट्स वगैरह के बारे में, या क्या कहेंगे उसको, प्लांट लाइफ के बारे में, ये सब चीजें उसने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर टू नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने जैसा कि आपको बताया था, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का सेकंड, ये दोनों आंसर एक ही है। तो आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। राइट डिटेल आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये डिटेल आंसर्स हैं, इस पर मैं फिर से एक चीज आपको बता दूं कि आपको आंसर्स पॉइंट वाइज लिखने हैं, तो जहां जहां फुल स्टॉप आता है वहां से आप पॉइंट बना सकते हैं। तो व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, पेज नंबर 12 पे इसका आंसर है, तो पेज नंबर 12 पे हम जाएंगे। यहां पर हमें मिलेगा मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कंसर्न, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, प्रोडक्शन के मोड्स, इसका कंसर्न, एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन वर एट द सेंटर इन द राइटिंग ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इन तीन चीजों को हाईलाइट करते थे अपनी अपनी राइटिंग में। अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस हैज रिमेन द बेसिक थीम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। मतलब एक एनालिस्ट कर एनालाइज अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट, समाज में होने वाले हर इवेंट का इम्पैक्ट, उसका सिग्निफिकेंस हैज रिमेन द बेसिक थीम। ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की बेसिक थीम रही है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशंस विद इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में होने वाले चेंजेस को भी जो इंडियन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है उन्होंने स्टडी किया है या उसके बारे में बताया है। अमंग द नोटेबल इंडियन हिस्टोरियंस हु एडॉप्टेड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। अब जैसे इसमें कौन कौन से नोटेबल स्कॉलर है जिन्होंने मार्क्सिस्ट थियरी, कार्ल मार्क्स की थियरी को एडॉप्ट किया अपनी राइटिंग में, उनका नाम है लाइक दामोदर धर्मानंद कौसाम्बी, कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड नोटेबली। इन राइटर्स ने मार्क्सिस्ट थियरी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। कॉमरेड डांगे वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। ये इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ICP के जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स भी रहे हैं। प्रीमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी द बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट्स मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ये किताब का नाम है जो इन्होंने लिखी है, कॉमरेड डांगे ने, ये किताब जो है वो भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को रिप्रेजेंट करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इतिहास आचार्य वी के रजवाड़े टू हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी में वी के रजवाड़े का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, पेज नंबर 11, तो पेज नंबर 11 पे इसका आंसर मिलेगा हमें। यहां पर लिखा है, रजवाड़े इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी ऑन वेरिड सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, एटिमोलॉजी। रजवाड़े जो है वो मराठी लिखते थे या मराठी में उन्होंने लिखा है बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि हिस्ट्री हो गया या फिर लिंग्विस्टिक, लैंग्वेजेस हम कहते हैं, लैंग्वेजेस के बारे में, भाषाओं के बारे में लिखा उन्होंने, और एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब होता है किसी पास्ट इवेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना, और ग्रामर, इन सब के बारे में उन्होंने लिखा है।
ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट आर ओन हिस्ट्री. उनका ये मानना था कि हमें अपना इतिहास खुद लिखना चाहिए. ही कंपाइल एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासाचे साधने. मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने इसकी 22 वॉल्यूम इन्होंने लिखी है, उसको एडिट किया है. जो हाईलाइट है वही लिखना है हमें आंसर में. ही स्टेटेड हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज. उनके अकॉर्डिंगली हिस्ट्री जो है वो पास्ट की इमेज का नाम है. ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली यूजिंग द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, उनका ये मानना था कि हिस्ट्री जो है वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स यानी जो सोर्स ऑथेंटिक हो, सही हो, उसके अकॉर्डिंगली ही लिखना चाहिए. यानी कुछ भी मनगढ़ंत बातें हिस्ट्री में नहीं लिख देनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट चार्ट है. ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए, अब कॉन्सेप्ट चार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. तो जेम्स मिल का यहाँ लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. नेक्स्ट है जेम्स ग्रैंड डफ, तो इसका जवाब आप लिख लीजिए. इसका जवाब है हिस्ट्री ऑफ मराठास और मराठस. सेकेंड है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा था, तो माउंट स्टीवर्ट एल्फिंस्टन ने लिखा है ये. एस ए डांगे, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, अब भी पढ़ा हमने. और हु वर द शुद्राज, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लिखा हुआ है. नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट. एक और कॉन्सेप्ट चार्ट है, इसमें राइटर और उनकी बुक्स के नाम लिखे हैं. तो मैं बता दूं, पहला है जियाउद्दीन बर्रानी, तो आपको यहां लिखना है, मैंने यहां लिखा है तारीख ए फिरोज शाही. नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है तुजू के बाबरी, ये लिखी है एम्परर बाबर ने. देन नेक्स्ट है कल्हाना, इनकी लिखी हुई किताब है राज तरंगनी, जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को एक्सप्लेन करती हैं. देन उसके बाद किताब का नाम है सभासद बखार, ये लिखी है कृष्णा जी अनंत सभासद ने. तो ये आपको यहाँ लिख लेना है. आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. एक्सप्लेन दी फॉलोइंग कॉन्सेप्ट है. ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है पेज नंबर 10 पे, नेशनलिस्टिक है 10-11 पे और सुबल्टन है 12 पे. तो पहले हम करते हैं ओरिएंटलिस्ट और नेशनलिस्टिक, क्योंकि ये एक साथ ही है, दो तीन एक साथ ही पेज पे हैं, तो तीनों हम कर लेते हैं डायरेक्ट. तो पहला ओरिएंटलिस्टिक, दूसरा नेशनलिस्टिक और तीसरा सुबल्टन. आइए पेज नंबर 10 पे चलते हैं. पहला हमारा है ओरिएंटलिस्टिक, सिक्स का फर्स्ट. मैनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट. बहुत सारे यूरोप के स्कॉलर थे जो क्यूरियस हुए, उनको जानने की इच्छा हुई, उनको जिज्ञासा हुई कि ईस्ट की सिविलाइजेशन और कंट्रीज के बारे में जाना जाए. सम ऑफ दोज स्कॉलर्स फेल्ट एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम. कुछ स्कॉलर्स ने तो एडमायर भी किया और रिस्पेक्ट भी दिखाया ईस्ट की तरफ. दीज स्कॉलर्स वर नोन एज ओरिएंटलिस्ट, इन्हें ही ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है. दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर. वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर पर उन्होंने फोकस किया. अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर डिजर्व अ स्पेशल मेंशन. फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर बहुत ही स्पेशल है, बहुत सारे लोग हैं ओरिएंटलिस्ट है जिनमें फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर बहुत डिजर्विंग है. यहाँ पे उनकी इमेज दी हुई है. इन हिज ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. उनका ये मानना था कि संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की सबसे एंशियंट लैंग्वेजेस में से एक है. ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज. यही वो थे जिन्होंने संस्कृत किताब हितोपदेश को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था. तो ये हमारा आंसर यहाँ खत्म हुआ. नेक्स्ट हमारा था नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, सिक्स्थ का सेकंड है ये. द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियन हु वर ट्रेन इन ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम. इंडियन हिस्टोरियन जो ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में ट्रेन हुए हैं शो एन इंक्लिनेशन. इन्होंने एक इंक्लाइन दिखाया, इन्होंने एक बढ़त दिखाई टू रीस्टोर द प्राइड इन द एंशियंट ग्लोरी ऑफ इंडिया. जो इंडिया की एंशियंट ग्लोरी थी उसे रीस्टोर किया जा सके, इंडिया की वो जो शान शौकत थी उसे वापस लाया जा सके. एंड द सेल्फ स्टीम ऑफ द इंडियन रीडर, और इंडियन रीडर को पता चले कि हम भी किस देश के वासी हैं जो देश इतना ज्यादा ग्लोरियस है, ताकि हमारे अंदर भी एक सेल्फ स्टीम पैदा हो. द राइटिंग्स आर नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. उनकी राइटिंग को ही नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है. द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री. जैसा कि मैंने बताया कि नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन का जो मकसद था वो ये था कि भारत के इतिहास का जो गोल्डन एरा है, जो सुनहरा
जो जमाना था उसे वापस लाया जा सके या लोगों को बताया जा सके कि हम कितने, हमारा पास्ट कितना ग्लोरियस था। महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंदिरा जी, वासुदेव विष्णु मिरासी एंड आनंद सदाशिव अल्टेकर आर द नेम्स ऑफ सम रिनोन्ड स्कॉलर्स अमंग द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन। ये कुछ फेमस स्कॉलर है, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन है, उनके नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था पेज नंबर 12 पे, सुबल्टन हिस्टोरियोग्राफी। तो इसकी तरफ हम बढ़ते हैं, सुबल्टन हिस्ट्री 6 का थर्ड है ये। द सीड्स ऑफ सुबल्टन हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस हिस्टोरियोग्राफी। कहीं ना कहीं इसका जो बेस है वो मार्क्सिस हिस्टोरियोग्राफी से ही आता है। द रोल ऑफ द इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्स्की इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपिंग द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। एंटोनियो ग्राम्स्की जो कि इटालियन हिस्टोरियन है, उनके अकॉर्डिंगली हिस्ट्री जो है वो समाज के बॉटम मोस्ट लोगों से लिखी जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए लिखा भी है, इनफेक्ट सुबल्टन का मतलब भी बॉटम मोस्ट रैंक ही होता है, यानी एकदम नीचे से, एकदम बेस से शुरू करना चाहिए। उसके बाद रंजीत गुहा एन इंडियन हिस्टोरियन प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टेब्लिशिंग सुबल्टन हिस्ट्री एज एन इम्पॉर्टेंट अकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। रंजीत गुहा जो इंडियन हिस्टोरियन है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सुबल्टन हिस्ट्री में, जो स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। बिफोर द ऑनसेट ऑफ सुबल्टन आइडियोलॉजी, हालांकि सुबल्टन आइडियोलॉजी के आने से पहले भी सिमिलर थॉट्स वर एक्सप्रेस बाय महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इस सोच को ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पहले ही ला चुके थे, सुबल्टन हिस्टोरी बाद में नाम पड़ा। महात्मा फुले अनफोल्ड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्र अति शूद्र कम्युनिटीज इन इज बुक गुलामगिरी। इनकी किताब है गुलामगिरी, महात्मा फुले की, जिसमें उन्होंने शूद्रास के बारे में लिखा है। द टर्म शूद्र एंड अति शूद्र इंडिकेट्स द बॉटम मोस्ट रैंक इन द कास्ट सिस्टम। ये बॉटम मोस्ट रैंक को ही बताता है और सुबल्टन का मतलब भी बॉटम मोस्ट रैंक ही होता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इसके बारे में काफी कुछ लिखा है। टू ऑफ हिज बुक्स, दो किताबें इनकी बहुत फेमस है, हुवर द शुद्रास एंड द अनटचेबल्स मे बी साइटेड एज एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री ऑफ सुबेल्टन टाइप। इसे सुबेल्टन टाइप की हिस्ट्री माना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।